हाय, दिस इज़ मीना एंड वेलकम बैक टू किचन एंड क्लिनिक। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है गुजरात की स्पेशल बाजरे की रोटी। गुजरात की ट्रेडिशनल रेसिपी डिशेस में बाजरे की रोटी का एक बहुत ही स्पेशल स्थान है, जो कि मॉनसून और स्पेशल विंटर में बहुत ही ज़्यादातर खाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, बाजरे की रोटी खाने में जितनी ज़्यादा अच्छी लगती है, उतनी ही ज़्यादा टफ और उतनी ही ज़्यादा मुश्किल आजकल के यंगस्टर्स को बनाने में भी लगती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने एक बहुत ही स्पेशल और आसान सी टिप दी हुई है, जिससे बाजरे की रोटी मिट्टी के तवे में भी बिना चिपके फूली फूली सी बनेगी। तो इस आसान टिप को देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी, गुजरात की ट्रेडिशनल बाजरे की रोटी। इसके लिए सबसे पहले इस तरह से एक बड़े बर्तन में 1 कप जितना बाजरे का आटा लिया है। इसमें मैंने स्वाद अनुसार चुटकी भर नमक डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर आटे को अच्छे से मिक्स करते हुए गूंथते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा और पानी मिलाकर आटे को अच्छे से इस तरह से मसल मसल कर गूंथ लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आटे को जितनी अच्छे से मसलेंगे, उतनी ही अच्छे से, उतनी ही सॉफ्ट हमारी बाजरे की रोटी बनेगी। तो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कि इस स्टेज पर आटे को 1 या 2 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेना है। आटे को यहाँ पर जितनी अच्छे से मसलेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारी बाजरे की रोटी तैयार होगी। फ्रेंड्स, बीच बीच में पानी की ज़रूरत लगे तो इसे थोड़ा सा पानी छिड़क छिड़कते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोगों को भी अच्छे से आटे को मसलना है। तो इसके लिए मैंने ये एक रोटी बेलने वाला चकला लिया है और उसके ऊपर ये एक प्लास्टिक की सीट रख कर बाजरे की रोटी को बिना सूखा आटा लगाए ही हम बनाएंगे। लेकिन उसके पहले अब बारी आती है हमारी स्पेशल टिप की, जो कि ये है कि इस प्लास्टिक की सीट पर सिर्फ 1 से 2 बूंद ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ 2 बूंद की मदद से ही ये सीट पूरी तरह से ग्रीस हो गई है और इसी वजह से हमारी ये बाजरे की रोटी मिट्टी के तवे में भी बिना चिपके अच्छे से सिक पाएगी। तो अब इस आटे को दोनों हाथों की मदद से इस तरह से थोड़ा थोड़ा बड़ा बना लेंगे। जब ये इस तरह से गोल बन जाए तो इसे इस चकले के ऊपर रखी हुई प्लास्टिक की सीट पर रख कर हथेली की मदद से इस तरह से गोल गोल घुमा कर बड़ा करते जाएंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान तरीका है, बस आप लोग 2-3 बार करते ही इसे आसानी से सीख पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कितने गोल गोल और इक्वल साइज एंड इक्वल थिकनेस में ये बन रहा है। अभी हम इसे और पतली और बड़ी बनाएंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बाजरे की रोटी हमें जितनी साइज में चाहिए उतनी साइज में बनकर तैयार है। और अब लास्ट में थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाकर इसे प्लास्टिक की सीट के ऊपर से अपने हाथों में इस तरह से ले लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी ये प्लास्टिक की सीट ऑयल से ग्रीस हुई है तो इसे ये आसानी से छोड़ देगी। फ्रेंड्स, जब हम लोग बाजरे की रोटी को चकले पर बना रहे थे, तब मैंने साइड में गैस ऑन करके मिट्टी की तवे को गर्म करने के लिए रख दिया था। तो अब ये अच्छे से गर्म हो चुकी है, तो इस बाजरे की रोटी को अब हम इस तरह से अच्छे से तवे में रख देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो हमारी मिट्टी की तवी है वो अच्छे से गर्म होनी चाहिए। तो अब हम एक नाइफ की मदद से इस तरह से सभी ओर से मिट्टी के तवे से हमारी बाजरे की रोटी को अलग करते हुए इसे पलट देते हैं। और नीचे की साइड से इसे अच्छे से सिकने देते हैं।
देखा फ्रेंड्स कितनी आसानी से ये मिट्टी के तवे से निकल आती है। बीच बीच में इस तरह से इसे पलट पलट कर सीख लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये नीचे की साइड से कितनी अच्छे से सीख गई है। तो अब इसे फिर से पलट कर अच्छे से सीखने देते हैं ताकि ये अच्छे से फूल जाए। बाजरे की रोटी थोड़ी ठीक होने के कारण इसे अच्छे से सिकने देना पड़ता है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छे से फूल गई है। देखा फ्रेंड्स कि मिट्टी के तवे में कितनी अच्छे से सिकी है और अच्छे से फूल भी गई है। लीजिए फ्रेंड्स हमारी ये बाजरे की रोटी अच्छे से सिक कर फूल कर तैयार है। इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। और इसके ऊपर घी लगा लिया है। इसी तरह एक और रोटी भी बना ली है। तो आप लोगों को देखकर ही पता चल रहा होगा कि इस तरह से मिट्टी के तवे में बाजरे की रोटी कितनी आसानी से बढ़िया से बनी है। तो आप लोग इस आसान मेथड से बाजरे की रोटी जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने सुझाव मुझे कमेंट करके जरूर भेजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण। और फ्रेंड्स अब आप लोग कुछ ऐसे बेस्ट प्रोडक्ट देख रहे हैं जो कि अमेजोन पर बेस्ट प्राइस एंड बेहतरीन क्वालिटी में अवेलेबल है। और अगर आप लोग इसका डिटेल देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.